फिलिप सर जॉन दोनों दोस्त थे, प्रदेश के एक गांव में रहते थे, बहुत ही हार्ड वर्कर, बहुत मेहनत करते थे, वैसे बेरोजगार थे, कहीं किसने कुछ बुला लिया तो काम कर लिया खेत में, यहाँ कोई मजदूरी कर लिया, काम धंधा कुछ नहीं है, बहुत गरीबी है। एक दिन क्या हो गया कि अखबार पढ़ते पढ़ते उनको एक विज्ञापन दिखा, इश्तेहार दिखा, ये था कि वो गांव के मेयर ने एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट डाल दिया था कि वो गांव के बाहर ऊंचाई पे एक तालाब था, तालाब में भरपूर पानी था, तो वो तालाब का पानी लाना और गांव के टंकी में भर देना, ऐसा एक काम था, बाल्टी से लाना गांव की टंकी भर देना ताकि गांव के लोगों को पानी मिले। तो विज्ञापन था, तो इन्होंने अर्जी की, तो फाइनल ये हो गया कि 5 रुपये बाल्टी इनको मिलेगी, 5 रुपीज़ एक बॉटल, एक बाल्टी के मिलेंगे। और दोनों काम को लग गए, वहाँ से लाना, तालाब से बाल्टी लाना, बाल्टी भर भर के लाना, इधर टैंक में डाल देना, टंकी में डाल देना, फिर लाना, फिर टंकी खाली होगी, दूसरे दिन फिर उठे, फिर गए, फिर लाना, ये चालू था। काफ़ी पैसा भी आने लगा, पैसा खेलने लगा हाथ में, दोनों बहुत खुश, बहुत मजा कर रहे। तो इसमें जॉन जो था वो जरा सोचने लगा, बहुत गहराई से सोचने लगा। वो अपने दोस्त को एक दिन बोला, बोले फिलिप, हम तो रोज काम कर रहे हैं, रोज पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है, मगर सोच कभी एक दिन मैं बीमार पड़ गया तो, कभी एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, उस दिन मैं बाल्टी नहीं ला सकूंगा, फिर उस दिन कैसा, आज हम 100 बकेट लाते हैं वहाँ डालते हैं, 100-100 बकेट उठा के लाते हैं, कल हमारे से 50 बकेट ही लाना हुआ तो पैसे कम मिलेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएंगे, बूढ़े होते जाएंगे, तो खर्चे पानी भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दवाइयाँ बढ़ जाती है, तो भी आज खर्चे कम है, बाद में खर्चे बढ़ेंगे और इनकम कम हो जाएगा, आगे कैसा होगा। तो फिलिप बोल रहा है, तो बहुत ज़्यादा सोचता है, आज की सोच, देख लेंगे जब होगा तो। बोले नहीं नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि समझो हम पाइपलाइन बिछाते हैं और पाइपलाइन से वो तालाब से पानी टंकी में ला के डालते हैं तो कैसा रहेगा। बोले यार पाइपलाइन बिछाएंगे, कितना टाइम लगेगा, इतना पैसा लगेगा, ये कौन करेगा, ये कैसा संभव है, आज की सोच, आज पैसा मिल रहा है कर ले, बाकी बात का बाद में देखेंगे। तो जाके सो गया फिलिप्स। जॉन सोता नहीं था, जॉन सोचता था क्या करना क्या करना। फिर उसने एक दिन पक्का कर लिया कि मैं तो पाइपलाइन डालूंगा, पाइपलाइन के लिए जो भी करना है वो करूंगा। उसने पाइपलाइन तैयार करने का काम चालू किया, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया। उसने क्या किया कि अपना बाल्टी लाने का कार्यक्रम जो था, तो कम बाल्टी लाता था, 25% ही काम करता था, उतने में जितने पैसे मिलते थे वो पैसों से अपना कारोबार खाना पीना चलाता था, और बाकी समय पाइपलाइन तैयार करने डालता था, बाकी समय पाइपलाइन तैयार करना सोचना इसमें डालता था। हुआ क्या कि इसको बहुत टाइम लगने लगा जॉन को, अभी साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी पाइपलाइन का काम तो, मतलब पाइपलाइन से पानी आना चालू नहीं हुआ, मगर उधर फिलिप्स जो है वो और ज़्यादा काम करता था, और ज़्यादा उसको पैसे मिलने लगे, उसका खुद का मकान हो गया, उसकी गाड़ी हो गई। बोले बहुत खुश हूँ, और जो होना था वही हो गया। 3 साल के बाद में जॉन को उसमें सफलता मिली और पाइपलाइन चालू होगी, पाइपलाइन से उसमें पाइपलाइन आ गई, उसने नल लगा दिया और धो धो बहुत सारा पानी आने लगा, चालू हो गया। अब हुआ क्या कि जो काम फिलिप पूरे दिन में करता था, और जितना काम वो पूरे दिन में करता था उतना काम तो ये 5 मिनट में कर लेता था, कितने अनेक गुना पानी जॉन ने वहाँ डालना चालू किया कि 3 साल तक उसको गरीबी में निकालने पड़े, पैसा हाथ में नहीं, बहुत कठिन परिस्थिति, खाने को भी मोहतात। उधर फिलिप्स जो था वो बहुत खाता पीता चंगा हाल था, मस्त मजा कर रहा था। अभी हो गया उल्टा, अभी ऐसा हो गया कि जॉन को बहुत सारा पैसा मिलने लगा और फिलिप उधर बीमार पड़ गया, उस दिन पैसा नहीं, कहीं घूमने चले गए पैसा नहीं। अभी ये उल्टा हो गया कि अभी जॉन अपने बच्चों के साथ में खेलता है तभी वो पैसा कमा रहा है, वो सो रहा है तभी पैसा कमा रहा है, वो बाहर टूर में गया पिकनिक हुआ है तभी पैसा आ रहा है, क्योंकि अभी उसने पाइपलाइन बिछा दिया। हमारे देश में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो बाल्टी बाल्टी से पानी भर रहे, रोजमदारी कर रहे, कमाते हैं, मगर उनको ये मालूम नहीं है कि पैसिव इनकम कैसा हो जाए या पाइपलाइन कैसे डाले।
हमको तैयार कर रहे हैं जॉन, जो पाइपलाइन डालेंगे, और 24/7 मतलब 24/7 चौबीसों घंटे पैसा कमाएंगे। तो यदि हम करते हैं तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा और हमारे देश का हर नागरिक बहुत ज़्यादा पैसे कमा के, पैसे से जो खरीद सकता है वो खरीदेगा, जो पैसे से खरीद नहीं सकता वो भी मिला सकेगा। हमारा प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप हमें चैट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।